नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। ईद त्योहार को लेकर जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना प्रांगण में रविवार को शांति समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नारायणपुर के अंचला अधिकारी प्रदीप कुमार महतो ने किया तथा इस बैठक में मुख्य रूप से नारायणपुर के सर्कल इंस्पेक्टर मनोज कुमार, थाना प्रभारी अभय कुमार, 20 शूत्री, प्रखंड अध्यक्ष बीरबल अंसारी, निवर्तमान उप प्रमुख दल गोविंद रजक के अलावा शांति समिति के सदस्य मौजूद थे, जिसमें इस बैठक के माध्यम से शांति समिति के सदस्यों से ईद का त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांति ढंग पूर्ण से मनाए जाने की अपील की गई। बैठक में अंचलाधिकारी प्रदीप कुमार महतो ने कहा कि ईद का त्योहार आप लोग आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलजुल कर मनाने का काम करें तथा आदर्श आचार संहिता का भी पालन करें। उन्होंने कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाए गए गलत अफवाह पर ध्यान नहीं देकर इसकी सूचना प्रशासन को दें। प्रशासन अपने ढंग से कार्रवाई कर आपके त्योहार में किसी प्रकार की कोई खलल उत्पन्न नहीं होने देगी। अंचलाधिकारी प्रदीप कुमार महतो ने कहा कि ईद त्योहार के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की है, जिसको लेकर ईद के दिन सुबह 9 बजे ईदगाहों में नमाज अदा करने के दौरान पुलिस बलों के जवानों की कर विधि व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। वहीं नारायणपुर के थाना प्रभारी अभय कुमार ने शांति समिति की बैठक के माध्यम से कहा कि आगामी 19 मई 2022 को नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, जिसके मद्देनजर हम सबको मिलजुल कर इस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निर्भीक होकर मतदान को संपन्न करवाना है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दे। प्रशासन 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। मौके पर राघवेंद्र नारायण सिंह, अब्दुल कयूम अंसारी, कल्पना हेम्ब्रम, मोहम्मद मुस्तफा, गोलक बिहारी सिंह के अलावा शांति समिति के कई सदस्य मौजूद थे।